एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से केवीएस एग्जाम की डेट से रिलेटेड बातचीत करने वाली हूँ, क्योंकि केवीएस एग्जाम की डेट्स जो हैं वो आपके रिलीज कर दी गई हैं। अभी तक केवीएस एग्जाम की डेट को लेकर बहुत ज़्यादा रूमर्स बन रहे थे, आए दिन कोई ना कोई फेक न्यूज़ चलती ही रहती थी, पर अब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो केवीएस की है उस पर आपकी डेट्स जो हैं वो मेंशन कर दी गई हैं। आप वहां से जाकर एक ऑथेंटिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की भ्रांति में अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास पता है आपको कि इस डेट को मेरा एग्जाम है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और ज़्यादा समय दीजिए। और ये कंप्लेन सभी लोगों की है कि समय कम दिया गया है, ये देखिए बिल्कुल सच है कि समय बहुत ही कम दिया गया है, पर समय जो दिया गया है आपको और दूसरे स्टूडेंट को, सबको बराबर दिया गया है। तो इस समय को उस चीज में सोचकर मत गवाइए कि समय कम था, बजाय आप तैयारी अच्छे से करिए कि जिस डेट को आपका एग्जाम है उस डेट से पहले आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं, ताकि एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएं। यहाँ पर आप अपनी डेट्स देख सकते हैं, आपने जिस भी चीज का फॉर्म फिल किया होगा, लाइक आपने हो सकता है टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी तीनों फिल किया हो, तो उस केस में आपको देखिए आप अपना देख सकते हैं कि अलग अलग डेट्स में एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका एग्जाम जो है क्लैश हो, सारी आपकी यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। जैसे आपका 7 तारीख को आपका जो है असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 7 फरवरी से ये एग्जाम शुरू है और आपके 6 मार्च तक ही आपका केवीएस का एग्जाम है, ठीक है। अब आपके बीच में आपके जो एग्जाम आपको देने हैं वो आप अपना देख सकते हैं। जैसे मोस्टली लोगों ने पीआरटी फिल किया है, तो पीआरटी का जो एग्जाम है वो आपका 21 से 28 फरवरी तक है। वहीं आप टीजीटी का देख सकते हैं, टीजीटी का आपका 12 से 14 फरवरी है, पीजीटी का आपका 16 से 20 फरवरी है। तो ये आपकी जो है डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं साइड में हो जा रही हूँ और सारा आपको बता देती हूँ कि 7 तारीख को आपका असिस्टेंट कमिश्नर का है, 7 फरवरी को, 8 फरवरी को आपका प्रिंसिपल का है, 9 फरवरी को आपका वाइस प्रिंसिपल एंड पीआरटी म्यूजिक का है, एंड 12 से 14 फरवरी टीजीटी एंड आपका 16 से 20 पीजीटी का है, एंड आपका जो 20 को एग्जाम है फाइनेंस ऑफिसर का है और हिंदी ट्रांसलेटर का है, ठीक है, एंड आपका ई सिविल का है। 21 से 28 फरवरी आपका पीआरटी का है, एंड आपका 1 से 5 मार्च को आपका जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट का एग्जाम होगा, 5 मार्च को आपका स्टेनोग्राफर का होगा, एंड आपका 6 मार्च को लाइब्रेरियन का आपका एग्जाम होगा। तो ये सारी आपकी डेट्स थी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने जिस भी चीज के लिए फॉर्म फिल किया हो तो उस हिसाब से आप अपने डेट को यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि इस डेट को मेरा एग्जाम है। और आपको बहुत ही जल्दी एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इतने जल्दी एग्जाम डेट आपकी आ गई है तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत जल्दी एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और समय कम है, लेकिन उस चीज को आप अपनी इस चीज में मत गवाइए कि बहुत ही कम समय दिया गया, बजाय आप पढ़ेंगे तो वो अच्छा होगा आपके लिए। हो सकता है इस 1 महीने में बहुत अच्छा आप कर लें, क्योंकि तैयारी ऑलरेडी सभी की है, बस थोड़ा सा आपको जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की अन्य वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।